हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज 15 तारीख है, चैती छठ का सुबह वाला अर्घ। इतना सुबह तो हम कभी उठे नहीं हैं। देखिए 5:30 हो रहा है उधर। हमने वहाँ के रेडियो गया, कैसा लग रहा है ये मेरा लोग? उधर से मम्मी बुला रही है। हाँ, आ रहे हैं मम्मी। चलिए घाट पर चलते हैं। काजल जो है घाट पे नहीं जाएगी, क्योंकि संध्या अर्घ में भी नहीं गई थी, मम्मी मना की थी। मम्मा का डिसीजन जो है तो सब मानेगा। और बाबा भी जिद कर रहे हैं, मम्मा भी जिद कर रही है चलने के लिए, लेकिन अब हम ही मना किए कि इतना दूर क्या जाएगी बोल। देखिए क्रिस आज मैचिंग पहन है पापा जैसे। इधर कैसे लग रहा है हम लोग, कमेंट करके बताइएगा। बोलो गुड मॉर्निंग आप लोग को। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम कैसे लग रहे हैं ये बताइए। हम कैसे लग रहे हैं बताइए। बकचोदने लगते हैं, हटो। आप सबको बताते हैं छठ पूजा में जा रहे हैं। येलो पहन लिया है क्रिस, और इसके पापा भी येलो पहन लिए, दोनों सेम। क्या क्रिस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पापा कहाँ गए? पापा, नहीं। क्या लेके जा रहा है क्रिस? फटाका फोड़िएगा। देखिए फटाका और ढका के व्यवस्था ले लिए हैं क्रिस जी। तू फोड़ो ना, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है, हम नहीं फोड़ते। मुझे डर लगता है तो। अरे मुझे को डर लगता है। हाँ और नहीं, मेरे को नहीं होता वो। पानी चला दिए। आपका वीडियो ही रह गया। आपको नहीं फोड़ना है क्रिस? क्रिस आपको नहीं, क्या हुआ? क्रिस ना, क्रिस नहीं फोड़ेगा। हे कन्नी भी कोई रे,
हम लोग इधर घूम रहे हैं, सूर्य भगवान को खोज रहे हैं, पेड़ पौधा के आड़ी में निकलेंगे तो अर्घ पड़ेगा, दिख ही नहीं रहे। क्या कर रही है तुम लोग? ज्यादा प्यार नहीं दिखाइए, ठीक है? ये लोग वीडियो बना रहे हैं इसका ब्लॉग। लीजिए कायदे से बात कीजिए। हाँ, थोड़ा ब्लॉग शूट करना। तो फाइनली घाट पर से हम लोग आ गए हैं ना बेटा। अब देखिए क्रिस कितना बदमाशी कर रहा है, ज्यादा प्यार कम कर दिखाने लगता है। और हमको आज ऑफिस जाने का मूड है नहीं। देखिए बॉस से बात करते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि काजल को लेके जाना है काजल के पास तैयोपुर, मतलब अपने ससुराल। कौन गया? नानी कर जाएगा। देखिए क्रिस को भी मन है नानी के यहाँ जाने का। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? मैचिंग कमेंट करके बताइएगा। मम्मी आ गई पूजा करके, अभी चाय पी रही है, प्रण कर रही है हमारे ब्रदर। चलिए आपको बाहर का दिखाते हैं। दिखा रहे हैं। देखिए क्या कर रही मम्मी? खाना बन गया है, सिर्फ चक्का उक्का छनाएगा, उसके बाद मम्मी खाना पारण करेगी। देखिए छोटी मम्मी, कौन सी लेके बैठा था? दे बाबू को। हे फैमिली, अभी हम आराम कर रहे हैं, घाट पर से आए हैं, नाश्ता प्रसादी उरसादी खा लिए हैं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और काजल आ गई है मम्मा को पारण करा के, आज परना बोलते हैं। तो अब ये आई है और हमको बोल रही है कि हमको रुद्र भैया पूजा दीदी से मिलना है। वो लोग कलकत्ता चले गए हैं और बहुत दिन से हम दोनों उन लोग का ब्लॉग देखते हैं, सचिन भैया मनीषा जी का, फिर रोशन भैया रुद्र जी जो हैं लालगंज से। रुद्र भैया आपसे हम मिले भी थे आदित्य विजन जीप में, हम वहाँ फिनांस कर रहे थे तो आपसे मिले थे लास्ट टाइम जब आप दिल्ली जा रहे थे बर्थडे में। किसके बर्थडे में? अमित किट्टो जी के बेटे के बर्थडे में। तो हम एक बार आपके यहाँ लालगंज भी गए थे फरवरी में ना, आपके भाई से मिले थे, सोम भैया से मिले थे। बट आप कहीं ट्रिप पे थे तो आपसे मुलाकात हुई। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे जाने का, तो मालूम ब्लॉग देखे तो पता चला कि आप लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग कैसे मिलेंगे आप लोग से? आप लोग से मिलना हमको बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आपका ब्लॉग हमको अच्छा लगता है, आपके हम लोग फैन हैं। जैसे बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि बहुत सारा बात, लेकिन छोड़िए उस बात, हम लोग को आपसे मिलना है। क्या? और सचिन भैया से भी मिलना है। सचिन भैया आपको भी हम बोल रहे हैं, दोनों आदमी को हम इस वीडियो में टैग कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई जरूर दीजिएगा, मिलना है या नहीं जरूर बताइएगा।
क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको तो मिलना नहीं होगा क्योंकि इतना सबसे आप मिल नहीं सकते, आप लोग बहुत बड़े क्रिएटर हो गए हैं, लेकिन हमको मिलना है आप लोगों से। आप लोग मेरा मेल है उसमें हम मेल डाल देंगे, उस पर अपना नंबर भेजिएगा, हम आपसे बात करके, आप कोलकाता हैं हम कोलकाता आ जाएंगे मिलने के लिए। ऐसे भी हम कहीं घूमे नहीं हैं, कोलकाता दिल्ली सब तरह भी घूमना है। इस साल अभी 4-5 ट्रिप भी होगा मेरा, अभी गोवा भी जाना है। कब जाना है प्लानिंग हम करके बहुत जल्दी ब्लॉग में बताएंगे आप लोग को। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो का स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम भी एक बड़ा क्रिएटर बने, कुछ बोलो। क्या बोले, आज पारन है, थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा। वीडियो पे वीडियो मेरा मतलब कोई देखता ही नहीं है, देखता भी तो स्किप करके देखता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। क्यों नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब? मन ना टूट सा गया है, मन तोड़ने से नहीं होते। बोलो इन लोग जोड़ेंगे, वो लोग प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक फेविकोल है। एक ही बार में सब्सक्राइबर इतना ज्यादा रफ्तार में बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 2 महीना में 25,000 सब्सक्राइबर कम नहीं होता है। आप लोग इतना प्यार दिए इसके लिए बहुत बहुत दिल तहे दिल से धन्यवाद। हमको बहुत जल्द पहले से और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए हम लोग का वीडियो कैसा लगता है आप लोग को। अगर खराब लगता है तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके आप बताइए, फिर हम मतलब अपने आप से और मतलब प्लीज रुद्र भैया, पूजा भाभी, सजिन भैया, मनीषा भाभी, आप लोग प्लीज अपना नंबर हमको शेयर कीजिएगा, आप लोग से बात भी करना है। आप लोग से रुद्र भैया का नंबर है मेरे पास, है। तो इतना बिजी रहते हैं कि फोन ही नहीं उठाते हैं। वो कितना बार हम लोग को मतलब टाइमिंग बता के और काम बहुत रहता है, मेरे पास भी काम बहुत रहता है, टाइम निकाल के शूट करते हैं। एक बार मैं जब जाने वाली थी तो सचिन मनीषा मतलब जो है उन्हीं का एनिवर्सरी में वो लोग पटना जा रहे थे, तो फिर वो बोले जो हम पटना जा रहे हैं अभी नहीं मिल सकते हैं, तो नहीं नहीं क्रिएटर पार्टी था, यूट्यूब क्रिएटर। हाँ वो भी था लेकिन उनका एनिवर्सरी भी था कल, ओके तो लोग पटना चले गए थे। हम लोग आपको टैग कर रहे हैं वीडियो में, मेरा वीडियो देखिएगा प्लीज। हम भी आपके वैशाली जिले के देसरी से बिलोंग करते हैं, हाजीपुर से 20 किलोमीटर मेरा घर हुआ, लेकिन रहते हैं हाजीपुर, और हाजीपुर से 20 किलोमीटर आपका घर हुआ लालगंज। चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।